तो कि विराट कोहली ने एक एक पीरियड डोमिनेट करा, अब आने वाला समय शायद बाबर डोमिनेट कर दे, उस लेवल तक पहुंच पाएगा आई डाउट, लेकिन उस लीग में आ सकता है कि उसका नाम वहां पर आए। तो ये है क्योंकि भाई उस बाबर तगड़ा बल्लेबाज है भाई, कोई दो राय नहीं है। टेस्ट होना बाकी है, भी है जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ऐसे का पारा जिताओ, क्योंकि जब आप मैच विनिंग कैप्टन बन जाते हो ना कि आपकी लीडरशिप में टीम जीती है टूर्नामेंट जी, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अब ये बात बताओ, उसने इंग्लैंड में उसकी 50 से ज्यादा ओडीआई की एवरेज है, तो इंग्लैंड जिम्बाब्वे लेवल का रख दोगे आप इस तरह से? तो ये बात होगी। एक उनका आयरलैंड में भी 100 आया था शायद से, बाबर का आयरलैंड के अगेंस्ट आया था जो सीरीज थी 3 मैचेस की, वो तो नीदरलैंड से, नीदरलैंड से थी, वहां पे भी 100 आया था उनका। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में देखा है कि किस तरह से इंडियन मीडिया बाबर आजम की बेहतरीन तरीके से तारीफ कर रहा है, उनकी शॉट्स की तारीफ कर रहा है, उनकी मेहनत की तारीफ कर रहा है। अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद आप पूरी वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारे प्लेयर्स को जो है वो लेसन लेना चाहिए बाबर आजम से। अकेले तने तनहा अपने भी टीम को भी नंबर 1 बनाया, खुद भी नंबर 1 बने और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान टीम को लेकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा इंडिया के लिए बाबर आजम है क्योंकि वो श्रीलंका में मौजूद हैं ऑलरेडी और लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, एक शतक भी उन्होंने लगाया है और साथ साथ अपने टीम के बाकी प्लेयर्स के साथ भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलें वीडियो को देखें, एंजॉय करें। वीके कंपैरिजन नहीं, खुश रहो, बैटिंग एंजॉय करो भाई, दिस इज द वे टू सम इट अप। और बिल्कुल सही है आपने कहा, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कभी आप एक तौर पर दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। विराट हो भी नहीं सकता, टाइम अलग अलग नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे दो अलग अलग, वो एरा के अलग नहीं है। बस आप कह सकते हो कि विराट कोहली ने एक एक पीरियड डोमिनेट करा, अब आने वाला समय शायद बाबर डोमिनेट कर दे, उस लेवल तक पहुंच पाएगा आई डाउट, लेकिन उस लीग में आ सकता है कि उसका नाम वहां पर आए। तो ये है क्योंकि भाई उस बाबर तगड़ा बल्लेबाज है भाई, कोई दो राय नहीं है। टेस्ट होना बाकी है, भी ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ऐसे का पारा जिताओ, क्योंकि जब आप मैच विनिंग कैप्टन बन जाते हो ना कि आपकी लीडरशिप में टीम जीती है टूर्नामेंट जी, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है भाई। हाँ ये चीज वैल्यू अलग हो जाती है। आपने 3 मौके गवा दिए, 2 T20 वर्ल्ड कप, 1 एशिया कप, क्या पता एक बार मौका ना मिल पाए। और दूसरा फिर ये भी है ना कि एज एन कैप्टन ठीक है आप आगे तक ले गए अपनी टीम को, बट उस दोनों टूर्नामेंट में रन नहीं है बाबर के, नहीं रन है, नहीं एशिया कप में कहाँ रन, एशिया कप में रन नहीं हो गए, T20 में सेमीफाइनल में रन तो उनके जो जो 2021 फखर जमान ने, सदाब ने वहां पर, जो सदाब ने विकेट भी ले ली थी बीच में जब मैक्सी नहीं, वो तो इतना टोटल ही ना, वो उसने तो 20-25 ओवरों में 50 कर दिए थे फखर जमान ने, स्टार को रख रख के छक्के दिए थे, मुझे उससे ज्यादा डर लगता है। वो मैच कब आपका बहुत ऊपर नीचे गया था भाई, कभी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में कभी पाकिस्तान के हाथ में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब बाबर जिसे कहते हैं ना कि सबकी बाबर पर नजर है, सब बाबर के लिए प्रिपेयर करेंगे रिजवान के लिए, एंड फखर जमान बाबर को बाबर नाम कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे में रन बनाए इसलिए बोलते लोग, पहले यार उनको इसलिए मिला में तो उनके रन ही नहीं है, फिर क्यों बोलते हैं बाबर और जिम्बाब्वे, मतलब जिम्बाब्वे ही पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहा था जब यहाँ पर क्रिकेट रिक्रूट कर रहा था, ये ना समझी वाली बात है भाई, और कोई देश रेडी नहीं था जब ट्रेवल करने के लिए, वही कर रही थी। अब ये बात बताओ, उसने इंग्लैंड में उसकी 50 से ज्यादा ओडीआई की एवरेज है, तो इंग्लैंड जिम्बाब्वे लेवल का रख दोगे आप इस तरह से? तो ये बात होगी। एक उनका आयरलैंड में भी 100 आया था शायद से, बाबर का आयरलैंड के अगेंस्ट आया था जो सीरीज थी 3 मैचेस की, वो तो नीदरलैंड से, नीदरलैंड से थी, वहां पे भी 100 आया था उनका, तो वही है कि तो यार मतलब उसके, अब लोग बोलते हैं कि हल्की टीमों के अगेंस्ट उसने यूएई खेली है, पाकिस्तान खेली है, इंग्लैंड ज्यादा क्रिकेट यहाँ खेली है, और उसके आप रन देख लो इंग्लैंड में भी 158 वहां पर करा था, एक इसके आई थिंक साउथ अफ्रीका में 100 T20 में है ना, 122 जो मारे थे सेंचुरियन में, और देखो यार वो इन्होंने 16-17 ओवर में कर दिया था 190 कुछ चीज, जो इन्होंने इंग्लैंड की क्वालिटी बॉलिंग को 200 रन पे 0 विकेट थी T20 गेम था, उसमें बाबर का 100 था, तो वो बोलने वाली बात है जब किसी का 60 का एवरेज 100 मैचेस जिम्बाब्वे से खेला है वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड के वर्सेस जो 100 मारा था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, सिर्फ 4 मैचेस है भाई के, बताओ सही में ओडीआई कितने 4 है ना, 4 मैचेस, 2 शतक 2 50 है, अब बताओ फिर लोग बोलते हैं वो 4 मैचेस में ही आपने मतलब नाम दे दिया, वो बेसलेस हुआ वो, देखो राउंड ले फैक्ट्स बता दिए, अब कोई नहीं बोलेगा, जब किसने सुन लिया वो समझ गया होगा भाई 4 मैचेस पे आप क्या बोल रहे हो, किसने सुना ऑस्ट्रेलिया में 56 की एवरेज है ओडीआई में, इंग्लैंड में 51 की एवरेज है, पाकिस्तान में 72 की एवरेज है, बताओ 60 की एवरेज इनकी, अफ्रीका में इंग्लैंड में कितने मैचेस है भाई के, 26 है कुछ, 25 26 भाई के मैच है वहां पर,
पांच ही मैच, अभी 26 मैच इंग्लैंड खेले हैं वो थी।